हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के कुछ और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर करिएगा। ये 20 दिन का क्रैश कोर्स मैंने स्टार्ट किया था, जिसमें आपको रीजनिंग की डेली एक वीडियो मिलती है 2:00 PM, मैथ की एक वीडियो मिलती है आपको 9:00 PM, और करंट अफेयर तो आपको सुबह मिली जाती है 7:00 PM। तो यहाँ पे देखिए, इन वीडियोस का आप नोटिफिकेशन भी ले सकते हैं बिल्कुल टाइम पे। तो उसके लिए आपको करना होगा नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन, तो आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। डेली आपको वीडियोस मिल रही है, उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से जाके आप प्लेलिस्ट से वीडियोस भी देख सकते हैं। इनकी सभी की आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर टॉपिक स्टडी सर्च करिएगा तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। साथ ही साथ आप ट्राई भी करिए वीडियो को, जितने भी क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं उनको ट्राई करिए, और जितने भी आप राइट आंसर कर सकते हैं उनका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, लिखा है इसमें D/5, G/9, G/14, M/20, नेक्स्ट आपको बताना है। तो वीडियो को रोक करके एक बार ट्राई करके देखिए आप कितना सही कर पाते हैं। बेसिकली यहाँ पे चल क्या रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 4 का है, यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 6 का है, यानी कि +4 +5 +6, तो नेक्स्ट आपका +7 होगा। तो +7 करेंगे कितना हो जाएगा, 27। चलिए आपको नंबर तो मिल गया, ऊपर का अगर सीरीज देखी जाए तो इसमें +3 +3 +3, तो यानी कि इसमें +3 चल रहा है, और एम में +3 करेंगे तो आपका पी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, P/27 इज द राइट आंसर। देख लीजिए इनमें कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक भी करते रहा करें, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते रहते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कितनी वीडियो पसंद आती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या चल रहा है, इसको भी जल्दी से एक बार ट्राई करिए। देखिए यहाँ पे सीरीज कैसी है, इंक्रीज है, डिक्रीज है, इंक्रीज है, डिक्रीज है, तो इसका मतलब दो तरीके की सीरीज इसमें चल रही है। एक तो कुछ इस तरीके से चल रही होगी, ठीक है, छोटे नंबर के साथ में, एक बड़े नंबर के साथ में चल रही होगी, ठीक है। तो एक बार जल्दी से ट्राई करके आप राइट आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को रोक करके ट्राई कर लिया होगा, बहुत ही अच्छी सीरीज है ये। देखिए इसमें क्या चल रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का है, इनके बीच में डिफरेंस कितने का, 3 का, यानी कि +2 +3, फिर नेक्स्ट आपका +4 हो जाएगा, ठीक है, और इसमें +5 करेंगे तो क्या बन जाएगा भैया आपका, 11 में 5+ करेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे तो 16 आ गया, बचा आपका ये वाला। अब इसमें क्या चल रहा है, देखिए जो इसके नेक्स्ट नंबर लिखा है ना उसका स्क्वायर और -1, 4 का स्क्वायर 16, -1 करेंगे तो 15, वैसे आपका 7 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 49, और माइनस आपका हो जाएगा 2, ठीक है, इस तरीके से, मतलब -1 -2 -3 यहाँ पे चल रहा है। तो इसी तरीके से 11 का स्क्वायर -3, फिर यहाँ पे आपका 11 के बाद में आपका हो जाएगा कितना, 16 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कितना आया था, 16, जो भी नंबर आगे लिखा है ना उसका स्क्वायर -1 2 3 4, इस तरीके से चल रहा है। तो 16 का स्क्वायर -4 करेंगे अब की बार हम, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 252, तो 252 इज़ द राइट आंसर, यानी कि 16 और 252 आपका ही राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इसको ट्राई करिए जल्दी से, 3 का देखते हैं कितने बच्चे राइट आंसर कर पाते हैं। तो 3 भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है आपका। देखें यहाँ पे बीच वाला जो नंबर है ये तो आपको पता चल ही गया है कि 2 है, 3 है, 4 है, तो नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो बीच में तो आपका 5 आ गया, ये तो आपको कन्फर्म हो गया। सॉरी यहाँ पे देखिए फिर बी में और ई में कितना डिफरेंस है भाई, बी में और ई में आपका 3 का, यानी कि +3 चल रहा है। फिर नेक्स्ट ई में और आई में डिफरेंस कितने का, 4 का, तो यानी कि +4 हो गया। फिर आई में और नेक्स्ट क्या प्लस करें, 3 हुआ, 4 हो गया, अब की बार 5 प्लस होगा तो 5 आपका एन हो जाएगा, तो एन और यहाँ पे आ गया 5, और नेक्स्ट आपको बताना है इसमें क्या आएगा। तो इसमें भी आप देखिए डी में और एच में कितने का डिफरेंस है, 4 का, तो +4, नेक्स्ट आप +5 कर देंगे, फिर नेक्स्ट आप +6 कर देंगे, तो नेक्स्ट आप एम में +6 करेंगे तो एस बन जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन गया, N5S, तो N5S देख लीजिए, N5S आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, तो ये राइट आंसर बन गया। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो आप इस टाइप की सीरीज को जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहिए। इसलिए मैं हर बार अलग कुछ क्वेश्चंस लेके आता हूँ कि आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन कवर करा दूँ। क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करिए और देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये सीरीज चल रही है। देखिए ए बी सी छोड़ के बी, बी एक छोड़ के फिर सी, सी फिर ई छोड़ के यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी, ठीक है, तो यहाँ पे डी आ जाएगा।
डी के बाद आप बीच में एफ छोड़ेंगे तो डी के बाद आपका आ जाएगा ई, तो यहाँ पे आ गया डी, यहाँ पे आ गया ई, बचा आपका ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी के बाद में क्या आता है डी, तो डी फिर सी छोड़ के ई, ई डी छोड़ के एफ, यानी कि कुछ इस तरीके से सीरीज चल रही है सॉरी ए बी सी डी ई, ठीक है, फिर यहाँ पे सी डी ई एफ। आप एक बार दोबारा से आप खुद ट्राई करके देखिए, ए से बी, बी से सी और सी से डी, डी से ई, ठीक है, फिर यहाँ पे सी से डी, डी से ई, ई से एफ, इस तरीके से यहाँ पे सीरीज चल रही है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कथन निष्कर्ष से। कथन निष्कर्ष के भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, तो हर बार मैं एक नया क्वेश्चन या फिर दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके जरूर आऊँगा और आप उनको ट्राई भी करेंगे, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 है, तो 5 का राइट आंसर क्या रहेगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें बोला जा रहा है शिशुपालन एक कला है, युवा माता पिता को शिशुपालन की रीतियों में प्रशिक्षण की जरूरत होती है। तो ठीक है, आप इससे क्या समझे कि शिशुपालन एक कला है और जो युवा माता पिता होते हैं उनको शिशुपालन की रीतियों में प्रशिक्षण की जरूरत होती है। तो यहाँ पे प्रशिक्षण देने की बात की जा रही है युवा माता पिता को। तो निष्कर्ष क्या है, आजकल युवा माता पिता को शिशुपालन का कोई ज्ञान नहीं होता। तो ये कहना यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जो बात की जा रही है ना वो शिशुपालन के ज्ञान से नहीं की जा रही है कि ज्ञान होता है या नहीं होता है, उन्हें यहाँ पे बात की जा रही है कि माता पिता को शिशुपालन की रीतियों का प्रशिक्षण की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो ये आपका ये नहीं शो करता कि ज्ञान नहीं होता है, ठीक है ना, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। फिर दूसरा है प्रशिक्षण से युवा दंपति बेहतर माता पिता बन जाएंगे, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर किसी को किसी चीज़ के बारे में शिक्षा दी जाती है तो वो बेहतर उस चीज़ में परफॉर्म होगा करेगा, मतलब अच्छा कुछ करेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से युवा माता पिता को भी शिशुपालन की रीतियों में अगर प्रशिक्षण की जरूरत होती है और उनको दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है, उनको इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है, तो वो एक बेहतर माता पिता बन जाएंगे। तो यहाँ पे दूसरा राइट हो जाएगा, पहला रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी केवल सेकंड वाला राइट रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखिए दोस्तों, आप इन सभी टेस्ट को परचेज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके बहुत ही सस्ते सस्ते टेस्ट हैं। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए तो केवल 20 टेस्ट 120 रुपये में, 149 आपको लिखा मिलेगा, इस कोड को भरिएगा तो आपको 30 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपको ये 120 रुपीज़ में मिल जाएगा। आरपीएफ एसआई के लिए 199 का है ये टेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं ना, तो इसको परचेज करके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। बाकी ग्रुप डी और वीडियो और एएलपी सीबीटी 2 के लिए भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, तो जल्दी से ट्राई करिए, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको वेन डायग्राम आरेखा चुनना है, वह आरेखा चुनिए जो कॉलेज के छात्रों और गायकों और नृत्यकों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। देखिए कॉलेज के जो छात्र है वो गायक भी हो सकते हैं, नृत्यकों भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब तीनों के बीच में रिलेशन तो है, तो चारों के चारों जो डायग्राम है आपके वो चारों के चारों मतलब रिलेशन को तो शो कर रहे हैं, बट राइट रिलेशन कौन शो कर रहा है, सही संबंध को कौन निरूपित कर रहा है वो आपको बताना है। देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सभी बाहर वाला वेन डायग्राम कॉलेज हो सकता है, ठीक है, कॉलेज के छात्र, ठीक है, तो सभी कॉलेज के छात्र आपके गायक और नृत्यक तो नहीं हो सकते, ठीक है, तो कुछ वाली कंडीशन यहाँ पे होगी और कुछ वाली कंडीशन को केवल यहाँ पे सी वाला ऑप्शन शो कर रहा है, ये भी कुछ वाली कंडीशन को कंप्लीट शो कर रहा है और ये तो कंप्लीट शो कर रहा है और ये भी। तो यहाँ पे देखिए कुछ छात्र आपके जो कॉलेज के छात्र गायक भी हो सकते हैं, नृत्यक भी हो सकते हैं, और कुछ छात्र आपके नृत्यक और गायक भी दोनों भी हो सकते हैं, तो इसलिए ये वाला वेन डायग्राम आपका सही रहेगा, बाकी ऊपर के ये तीन ऑप्शन राइट नहीं होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है और इसमें यहाँ पे दिया गया है एनालॉजी का क्वेश्चन, धागा कपड़ा तार से नेक्स्ट आपका क्या रिलेशन बताया जा रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने है। देखिए धागे से आपका क्या बनता है, कपड़ा बनता है, तार से आपका क्या बनेगा भाई। देखिए धागे से अगर कपड़ा बनता है तो तार से आपका छन्नी बनेगी, जाली बनेगी, रस्सी बनेगी या टेलीग्राफ बनेगा, तो आपका ऑब्वियसली है कि यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजिंग तो है थोड़ा सा कि छन्नी बनेगी या जाली बनेगी, तो जाली बनेगी क्योंकि जाली से ही आपकी छन्नी भी बन जाएगी, ठीक है, और टेलीग्राफ और रस्सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता ऑप्शन में, तो यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करिए। तो इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन नंबर 8 है, देखते हैं कितने बच्चे राइट आंसर कर पाते हैं। यहाँ पे लिखा है कैंची कपड़ा, नेक्स्ट आपको बताना है इसी तरीके का रिलेशन। तो कैंची से जैसे कपड़ा काटा जाता है, तो यहाँ पे देखिए पत्थर से
ग्राइंडर हो जा, ग्राइंडर मतलब ग्राइंडर तो किया जाता है ना पत्थर को, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी जाती है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिकार और से भी हो सकता है, बंदूक से नहीं, छुरी से पत्थर नहीं कट सकता, तो यहाँ पे ये कैंची से कपड़ा कटता है, तो कुल्हाड़ी से आपकी लकड़ी कट जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका यहाँ पे EGIK, और नेक्स्ट आपका FILO लिखा है, तो उसी तरीके से आपको रिलेशन बताया ना नेक्स्ट में चार ऑप्शन देख करके, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड आउट कर लीजिए, नेक्स्ट आप इजीली बता ही देंगे। तो EGIK जो लिखा है FILO कैसे बना, तो ई से अगर मैं नेक्स्ट वाले को कंपेयर करूँ तो ये आपका एफ है यानी कि +1 है, जी से मैं आई को कंपेयर करूँ तो बीच में कितने का 2 का डिफरेंस है यानी कि +2 हो जाएगा, फिर एल से मैं यहाँ पे आई से एल का डिफरेंस चेक करूँ तो ये भी आपका 3 का डिफरेंस यानी कि +3 हो जाएगा। तो मुझे पता चल गया है कि +1 +2 और +3 चल रहा है, और नेक्स्ट आपका +4 हो जाएगा, तो बिल्कुल सॉरी उसी तरीके से एफ एच जे एल का भी रिलेशन आपको देखना है, तो एफ एच जे एल का राइट आंसर क्या रहेगा, देखिए एफ में अगर मैं +1 करूँ तो क्या बन जाएगा, नेक्स्ट आपका जी बन जाएगा। ठीक है, तो जी देखिए इसमें दो ऑप्शन में है, सिर्फ इसमें और इसमें, तो इन दोनों को तो हटा दीजिए, या तो ये राइट होगा या फिर राइट होगा। एफ से आपका के बाद +1 किया तो जी बन गया, फिर एच में +2 होगा तो यहाँ पे आपका +2 करेंगे तो जे बन जाएगा, तो जे दोनों में है, फिर यहाँ पे आपका जे में +3 करेंगे तो एम हो जाएगा, तो एम आपका केवल ऑप्शन डी में है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, आपको नेक्स्ट करने की जरूरत भी नहीं है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को जल्दी से ट्राई करिए, और जितने भी राइट आंसर दे सकते हैं बच्चे राइट आंसर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका भी बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे आपको डायरेक्ट पूरा नंबर नहीं देख रहा है, 371 और 150 जो लिखा है इसको डायरेक्ट नहीं देखना है, एक एक नंबर से कंपेयर करिए जैसे हम अल्फ़ाबेट को करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 3 से 1 पे जाने की, तो 3 से 1 पे गया तो -2 हो गया, 7 से 5 पे गया तो -2 हो गया, 1 से 0 पे गया तो -1 हो गया, तो इस तरीके से यहाँ पे सीरीज चल रही है आपका -2 -2 और -1। फिर उसी तरीके से 4 6 8 में करेंगे तो 4 में से -2 करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा भाई, 2 बन जाएगा, 2 हो गया। 6 में से भी -2 करेंगे 4 हो जाएगा, 8 में से -1 करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 4 2 4 7 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है आपका वेन डायग्राम से, जिसको आप घर से करेंगे यानी कि इसको आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, इसको मैं नहीं कराने वाला हूँ। अगर आपको इसका राइट आंसर देखना है तो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। यहाँ पे वेन आरेखा चुनिए जो सूर्य पृथ्वी और तारों के बीच में संबंध को सही निरूपित करता है, तो आपको सही संबंध को यहाँ पे बताना है, सूर्य पृथ्वी और तारों के बीच में कौन सा वेन डायग्राम आपको बताता है सही, चार यहाँ पे दे रखे हैं ऑप्शन में। ठीक है, तो देख लीजिए इन चारों में से कौन सा राइट होगा, सूर्य पृथ्वी और आपके तारों के बीच में। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने वीडियो को लाइक शेयर कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो फिर मैं लेके आऊँगा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, फिर इसके बाद आपको शाम को मिलेगा, आज लाइव टेस्ट मिल सकता है तो आप लाइव टेस्ट लगाइएगा शाम के टाइम, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर किया करें। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।